सर गेस्ट हाउस कांड हो गया, अब आप कह रहे हैं कि दलित विरोधी पार्टी है, आप अभी अत्याचार की बात कर रहे हैं कि समाजवादियों ने अत्याचार किया दलितों पर। सर 2019 जब चुनाव हुआ तब आपको याद नहीं आया सर? जी गौरव जी आप शायद भूलने पड़ते जी जी हाँ जी रखिए बात। अभी जैसा कि ये समाजवादी पार्टी कह रही है आज कि इन्होंने संजीवनी देने का काम किया, इनको शायद इतिहास नहीं पता है 1991 में जब समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी 28 सीटों पर सिमट गई, तब मुलायम सिंह जी ने कांशीराम जी के साथ गठबंधन किया था, उसके बाद सत्ता प्राप्ति की थी। कौन किसको संजीवनी दे रहा है ये विवेक पांडे जी गठबंधन में कभी ये पता नहीं चलता है कौन किसको संजीवनी दे रहा है। आप निर्धारित करें, आप अपने मियां मिट्ठू बने, आप अपने मुंह से अपनी तारीफ करें, लेकिन ये संजीवनी वाला जो काम है ये समाजवादी पार्टी को बीएसपी ने दिया है, बीएसपी ने समाजवादी पार्टी को दिया, ये सब विदित है, सब लोग जानते हैं। अब रही बात गठबंधन की, गठबंधन में जाने का फैसला बहन कुमारी मायावती जी ही करेंगी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है। अब कांग्रेस को अगर लगता है कि बीएसपी के साथ जाने में उनको फायदा है, आपको ये पता होना चाहिए कि बीएसपी का लगभग हर राज्य में अपना राजनीतिक आधार है, हर राज्य में वोटिंग सपा साथ रहती तो आप देखेंगे सर इस गठबंधन की तरफ? देखिए हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन गठबंधन के साथ है कौन गठबंधन के साथ नहीं है, हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो भाजपा को केंद्र से सत्ता से हटाने का है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरह लेकिन अपने विचारधारा के साथ, ये नहीं कि आप अपनी विचारधारा थोप के हमारे ऊपर गठबंधन करना चाहें और हमको दबाव में लेकर गठबंधन करना चाहें। सर दबाव तो होगा ना, दबाव तो होगा, सीटों का दबाव होगा, अगर आप आते हैं तो कांग्रेस और बीएसपी को उतनी सीटें देंगे नहीं आप। जयप्रकाश जी बहुजन समाज पार्टी का इतिहास है कि इसने कभी किसी का दबाव नहीं झेला है, इस कारण से कितनी बार पार्टी टूटी है, कितनी बार दूसरे नेता यहाँ से छोड़ के गए हैं ये आपको मालूम है। अगर विवेक जी, विवेक जी अगर आप दबाव बनाएंगे अगर साथ भी आएंगे तो दबने वाली नहीं है बीएसपी, और वाकई में उनकी आइडियोलॉजी है वो दबती नहीं है, कितने नेता गए वो सही कह रहे हैं गौरव जी। जवाब ले लीजिए जयप्रकाश जी, दोनों बातों का जवाब दे दो। पहली बात तो जो दलित विरोधी की बात हुई तो मैं आपको याद दिला दूं एनसीआरबी के आंकड़े, तो मुझे लगता है कि हमारे बसपा के जो आज प्रवक्ता महोदय बैठे हैं उनके पास भी होंगे, आपके पास भी है। बीएसपी की सरकार में दलितों के जो उत्पीड़न हुए थे उसके 65,127 मामले एनसीआरबी ने दर्ज किए थे और सपा कार्यकाल में वो 23,734। आपको भी पता है आंकड़ों की फेरिस्त, तो आपको भी पता है कि आंकड़ों में हेर फेर हम ना हम कर रहे हैं ना बसपा कार्यालय से होता है ना भाजपा से होता है, ये तो आप जी कहते हैं आपके आपके समय में तो आंकड़े दर्ज ही नहीं होते थे, एफआईआर दर्ज ही नहीं होती थी। मैं गौरव जी सही कह रहा हूं, आपने आपने आप करवाने गए थे क्या, कोई आपको एफआईआर कराने गए थे जो नहीं दर्ज हुई थी, जो आप इतने इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप इस बात को रख रहे हैं मंच पे, चूंकि आप एक एंकर हैं मुझे आपको नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपके कहने के अनुसार गौरव जी ये आरोप लगते हैं उस आधार पर कहता हूं, सपा बीएसपी भी यही कहती है और बीजेपी यही कहती है कि देखिए सपा की सरकार में एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं, मेरी बात आने दीजिए, एफआईआर नहीं लिखी जाती थी ये आरोप तो लगते हैं ना, लेकिन आज वर्तमान में एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं भाजपा के कार्यकाल में दलित महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा एनसीआरबी के आंकड़े बोलिए फिर मैं दे दूं आपको, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सत्य स्वीकार नहीं कर रहा है। अब भाई मत करिए सत्य स्वीकार, एनसीआरबी के आंकड़े तो दुरुस्त है लेकिन ना एनसीआरबी के आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते कम से कम। तो महिलाओं का और दलितों का उत्पीड़न सबसे ज्यादा मायावती जी के शासन में हुआ, उसके बाद उसकी भाजपा में। और हाँ एक बात, मायावती जी को समस्या क्यों हो रही है कार्यालय की ना, तो भाजपा ने इतने कार्यालय बनाए बोलिए ना, कोई कार्यालय दे दे, या भाजपा मुख्यालय में इतनी जगह पड़ी है बोलिए वहीं बनवा दे इनका कार्यालय, क्या दिक्कत है। ठीक है गौरव जी जल्दी से जवाब फिर मैं बीजेपी तक जाऊं। पांडे जी आप जो तंज रूप में कस रहे हैं ये आपका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, देखिए एक चीज आप भी बेहतर तरीके जानते हैं, तो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाने हैं क्योंकि एजेंडा बहुत साफ है बसपा का, टिकट के दाम बढ़ाने हैं तो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाने हैं, और हाथी अवसरवादी और सर पे बैठा मनुवादी है ये सच भी नहीं। तो विवेक जी जाएंगे क्या आप साथ, फिर बीएसपी के साथ जाएंगे? नहीं, इंडिया गठबंधन में अगर वो गठबंधन की शर्तों के साथ आना चाहे तो उनका स्वागत है, अन्यथा वो किसी राजनीतिक दबाव को कोई गठबंधन का साथ झेलने के लिए। ओपी सिंह साहब देखिए चाहे कितनी भी लड़ाई हो लेकिन एजेंडा एक ही है, बीजेपी को सत्ता से हटाना, मोदी को सत्ता से हटाना, तैयार है ये लोग हाथ मिला लेंगे लेकिन टारगेट आप ही हैं। हाँ ये लोग चाहते हैं ना, तो 2014 से चाहते हैं कि बीजेपी को हटा दें,
लेकिन जो जनता चाहेगी तब ना हटेंगे, और जनता जिसको चाह रही उसको हटा रही है। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, 2014 में उत्तर प्रदेश में 2 सीटें, 2019 में 1 सीटें, अब 2024 में क्या असर होगा भगवान जाने। दूसरे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं उनको जो है जब बहन मायावती जी के साथ लड़े थे तो 5 सीटें, अलग होने के बाद 2 सीटें और गवा दिया, बची 3 सीटें। तो ये 1, 2, 3 सीटों वाले अगर ये हसर देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, तो इसी को कहा जाता मुंगेरी लाल के सपने। आप ये बताइए कि आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहा और संकल्प यात्रा के माध्यम से वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि केंद्र प्रदेश सरकार की जो योजनाएं है वो सबके पास पहुंची कि नहीं भौतिक रूप से, और जो छूट गए हैं उनको उनके आंकड़े कलेक्ट किए जा रहे हैं ताकि आगे जोड़े जा सके। तो वही जो चार बार, जिनकी 4 बार सरकारें रही, 3 बार रही या 75 साल में 60 साल सरकारें रही, इनको भी भारतीय जनता पार्टी को कोसने की बजाय जनता के बीच में जाकर के अपनी सरकार की, जब इनकी सरकार थी तो इनको योजनाएं बतानी चाहिए। बाकी तो 2014 से विवेक पांडे जी, विवेक पांडे जी, सिंह साहब बहुत सही कह रहे हैं। सिंह साहब देखिए आंकड़े से, सिंह साहब मैं आ रहा हूँ, सिंह साहब आ रहा हूँ, विवेक पांडे जी एक रिएक्शन की बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिएगा। अच्छा, अब ये जो विपक्षी पार्टी कहते हैं ना कि अपराध बढ़ गए, एनसीआरबी की रिपोर्ट, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप भी एंकर है आपको पता होगा, लेकिन वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2017 से जितने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए उसके केवल 2 मुद्दे रहे, एक विकास, एक कानून व्यवस्था। और 2017 के पहले जो इनकी कानून व्यवस्था थी उसी के आधार पर ये भारतीय ये सरकार में दोबारा आने का सपना ना देखे। ठीक है, फिर सवाल जवाब ले लो विवेक जी। विवेक जी एक बड़ा सवाल है, विवेक जी आज आज देखिए विवेक जी जनता, ठीक है शिक्षा में जवाब ले लो अभी, ठीक है शिक्षा में जवाब ले लो विवेक जी। अभी आप दोनों कह रहे हैं कि देखिए हमारी शर्तों के साथ आएंगे, गौरव जी ने भी कहा देखिए हम स्थितियां होंगी तो हम हाथ मिला लेंगे, लेकिन आज आप एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, ये जनता नहीं देखती है, और उसका नतीजा है सर आप लोगों को सफलता नहीं मिली। आप कांग्रेस के साथ आए तो आपको क्या हश्र हुआ, आप बीएसपी के साथ आ लिए लोकसभा चुनाव में आपका क्या हश्र हुआ। तो सर जनता देख रही है, सिंह साहब आंकड़ों से सही कह रहे हैं कि आप लोग कहां खड़े हैं। अब आपकी बात को मैं पूरी तरह से स्वीकार करते हुए मैं अपनी जवाब को दूंगा, मुझे जवाब आने दीजिएगा, लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जनता देखती है। तो मायावती जी को ऐसे अपरिपक्व बयान देने नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री रह चुकी है और ऐसी हल्की बातें करके, हल्के तर्क प्रस्तुत करके खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। शुरुआत तो विवेक पांडे जी आपकी तरफ से है ना, गारंटी कौन लेगा मायावती, समाजवादी पार्टी को घसीटने की क्या आवश्यकता। दूसरी बात आ जाए, मेरी बात आने दीजिए। भाजपा के हमारे जो आदरणीय बैठे हैं उन्होंने अपने सुशासन की बड़ी बड़ी बातें गिनवाए, भूल जाइएगा मत भूलिएगा 15 साल आप भी सत्ता से बाहर थे। और एक बात, पांडवों के ने 5 गांव कौरवों से मांगे थे, आज मैं इसे 5 जिले उत्तर प्रदेश के मांगता हूं, अगर ये चुनौती स्वीकार करे कि 5 जिले में बैलेट पेपर से वोटिंग करा के अपनी योग्यता साबित करे, हमारी बोलती बंद कर दे। चलिए 75 जिले है ना, 5 जिले की बात कर रहा हूं केवल, चुनौती स्वीकार कर ले भाजपा राष्ट्रीय मंच से कि 5 जिले से अपनी योग्यता बैलेट पेपर से साबित कर दे चुनाव करवा के, और हमारी बोलती बंद कर दे। ईवीएम में भी हम सवाल नहीं उठाएंगे, चलिए करेंगे चुनौती स्वीकार, बताइए ना। शिक्षा जवाब दे रहे, 5 गांव मांगे थे, ये बताइए जब ये हार जाते हैं तो 5 सुन लो भैया, सुन लो विवेक, वो तो आपके सुन लो आपके नेता के पास भी विवेक पांडे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। विधानसभा 111 विवेक जी आप सुन तो लीजिए ना, करेंगे कि नहीं विवेक जी, विवेक जी आप सुन लीजिए ना, घोसी घोसी चुनाव हुआ तो बचा लिया आपने, आप सुन लीजिए ना। यही अति बोलना ही आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बड़बोले पद से जनता के दिल को आप नहीं जीत सकते, आप अपने कर्मों से जीत सकते हैं, बाकी बोल से जीत नहीं सकते। मुद्दे पे आइए ना, चुनौती स्वीकार। अरे सुनो यार, मुद्दे पर आओ ना, चुप कराइए जयप्रकाश जी। अब विवेक जी सुन तो लो ना, सुन तो लो जवाब। अरे भाई जयप्रकाश जी आप तो इनको चुप नहीं करा पा रहे, जनता ने इनको चुप करा। अरे सर ये थोड़ा कराएंगे, चुनाव आयोग कराएगा, चुनाव आयोग कराता ना ये तो। और चुनाव आयोग ने आज मैं पढ़ रहा था, चुनाव आयोग सख्ती से निपटेगा जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, उन पार्टियों से सख्ती से निपटेगा जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग
अरे शर्मा जी, चुनाव आयोग बात की बात है, ये तो चुनौती स्वीकार कर आप अपनी नाकामी को आप ईवीएम पर क्या थोकते हैं भाई? ये बोल अरे आपका नेता जो है वो विरासत से सियासत में आ रहा है, और जब से वो सियासत में आए 2014 से कोई चुनाव जीते हो तो बता दो। आज 2014 से आपका नेता उत्तर प्रदेश में कोई एक चुनाव जीता हो, वो ग्राम पंचायत का चुनाव जीता हो, जिला पंचायत चुनाव जीता हो, नगर निकाय का चुनाव जीता हो, तो जनता के जनता जनार्दन के जनादेश का अपमान मत कर। छोड़ दीजिए आप, जनता जनार्दन के अपमान मत कर। हाँ, आप अपने नेता पर प्रश्न चिन्ह उठाइए, आप अपने नेता पर प्रश्न चिन्ह उठाइए जो विरासत में सियासत में आए हैं, गद्दी पाए और गद्दी पाने के बाद एक भी चुनाव नहीं जीत पाए, और तुष्टिकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति अब उनकी खत्म हो चुकी। आप ईवीएम